एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जयपुर ट्रेन बुकिंग खुलते ही 4 लाख टिकट यहां पर बुक हुए। सुबह 10 बजे करीब 1 घंटे में 1.5 लाख टिकटें यहां बुक हुई और बुकिंग खुलने के 2.5 घंटे में 4 लाख से अधिक टिकट यहां बुक हुई। करीब 73 ट्रेनों के लिए बुक हुए करीब 1.5 लाख टिकट। आपको बता दें कि 1 जून से ये 200 पैसेंजर ट्रेनें चलनी हैं। एक जून से ये 200 पैसेंजर ट्रेन्स चलने वाली हैं और बुकिंग खुलते ही 4 लाख टिकट बुक हो गए। अधिक अपडेट के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बताएं कि किस प्रकार से सिर्फ 2.5 घंटे में ये 4 लाख से अधिक टिकट बुक हुए और क्या डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए मनीषा, रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेन देकर जो लोगों को सौगात दी है उसमें जो लोग घर जाना चाहते हैं और जो लोग अपने काम पर लौटना चाहते हैं उसमें इसको लेकर काफी होड़ थी और वो देखने को भी मिली। जब सुबह 10 बजे टिकट बुकिंग खुली तो उसके बाद 1 घंटे में करीब 1.5 लाख टिकट बुक हुई, उसके बाद करीब 2.5 घंटे में 4 लाख से अधिक टिकटें बुक हो चुकी हैं, जिसके चलते साफ समझ में आ रहा है कि जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक हैं। और इसके चलते ही रेलवे ने, और आपको बता दें सबसे खास बात यह है कि केवल 73 ट्रेनों के लिए 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय ने जो सौगात दी है उसका लोग पूरी तरह से फायदा उठाते दिख रहे हैं। जी मनीषा। ऋषभ, देखिए कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किस प्रकार के इंतजाम, किस प्रकार की एहतियात बरतने के भी वहां पर निर्देश? बिल्कुल, देखिए रेल मंत्रालय ने साफ तौर पर जो भी निर्देश वहां के लिए दे रखे हैं उसमें साफ तौर पर है कि आरोग्य सेतु ऐप है, इसके साथ साथ मास्क है, साथ ही जो रेलवे में पहुंचने का टाइम है वो 1 घंटे पहले रखा गया है कि आपको टाइम से पहुंचना है, जिसके चलते जो लोग हैं वो अब इससे जो एक बात कहेगी आत्मनिर्भर होना, वो लोग अब होते भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब जो ट्रेन चलेंगी उसमें आमतौर पर जो लोग हैं, क्योंकि ये 2S की टिकट रहेगी, इसमें अनारक्षित कोई टिकट नहीं है, आरक्षित सीटें रहेंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से पालना करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो लोग हैं उनको ऑनलाइन टिकट बुक करनी है तो जो रेलवे स्टेशन पर जो टिकट की भीड़ होती थी अभी वो भी देखने को नहीं मिलेगी, तो जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ही रेलवे स्टेशन पर दिखाई देंगे। जी मनीषा। बिल्कुल ऋषभ, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।